आज हमारे चैनल में हम बात करेंगे 1930 में मेरठ कैंट क्षेत्र में बने बंगले की, जिसे आज भूतिया बंगले के नाम से जाना जाता है। यूँ तो कभी ये मेरठ की शान हुआ करता था, लेकिन अब पुराना और जर्जर पड़ चुका है। अब ये बंगला लोगों को डराने के अलावा कुछ नहीं। यूपी के मेरठ का जीपी ब्लॉक देश की बेहद डरावनी जगहों में से एक है। माल रोड पर बनी ये इमारत भूत बंगले के नाम से फेमस है। ये बंगला भूत प्रेत के किस्से और कहानियों की वजह से मशहूर है। ये इमारत जो आज भूत बंगले के नाम से जानी जाती है, कभी इलाके की शान हुआ करती थी, लेकिन आज ये इमारत डर और खौफ के लिए जानी जाती है। चारों तरफ घना जंगल और बीच में तीन बंगले। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह इमारत सैकड़ों साल पुरानी है, जो अब एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ कई बार कुछ पैरानॉर्मल गतिविधियों के होने की बात सामने आई है। शाम का सन्नाटा तो दूर, दिन में भी इस भूत बंगले को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। मेरठ प्रशासन ने इस बंगले के अंदर जाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन प्रशासन से अनुमति लेकर इस जगह को आप देख सकते हैं। इस जगह के आसपास सन्नाटा पसरा रहता है, साथ ही बंगले के अंदर डरावने मकड़ी के जाले, चमगादड़ और कबूतर ही दिखाई पड़ते हैं। इमारत की दीवारें टूटी हालत में हैं। बताया जाता है कि कई साल पहले यहाँ कुछ युवा घूमने के लिए आए थे, जिन्हें यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एनर्जीज होने का आभास हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने यहाँ जाने पर रोक लगा दी। साथ ही एक तरफ के गेट को भी बंद कर दिया गया। जीपी ब्लॉक के आसपास के लोगों का कहना है कि 70 और 80 के दशक में रात में जो लोग इधर से गुजरते, उन्होंने रात के समय लाल साड़ी पहने, हाथ में मोमबत्ती लिए, कभी ब्लॉक के परिसर में घूमते तो कभी छत पर बैठे एक महिला को देखा। कुछ लोगों का दावा ये भी था कि ब्लॉक के सेंट्रल हॉल में टेबल के चारों ओर चार लोग बैठकर शराब पीते देखे गए। जीपी ब्लॉक स्थित इस बंगले के बारे में वहां के चौकीदार का कहना है कि उनके पिता परिवार के साथ रहकर वहां चौकीदारी करते थे। एक दिन पास ही स्थित कंपनी बाग चौराहे पर दरोगा डिसूजा की एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके कुछ दिन बाद लोगों को दरोगा डिसूजा की आत्मा दिखने लगी। लोगों का कहना है कि डिसूजा की आत्मा लोगों से ब्रेड, मक्खन और अंडे की डिमांड करती। सुबह सुबह अपने काम पर जाने वाले लोग डर से इस चौराहे पर ब्रेड, मक्खन और अंडे रख कर जाते और पीछे मुड़कर नहीं देखते। बाद में ये सामान यहाँ से गायब मिलता। हालांकि अब इस रास्ते पर कोई नहीं आता जाता। आप कभी मेरठ के इस भूत बंगले में गए हैं या इस जानकारी के बाद आप इस भूत बंगले को देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और ऐसी वीडियो और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।